अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, केटीएन न्यूज़ में भलीकार आवाया वक्त बोझदार हेडलाइन सा डिठूं। बुलेटिन की शुरुआत कंदासीं इन अहम खबर सां। सिंध ग्रोथ मनसूबे तहत 10 जिलन में 153 चिलर किथे किथे लगा। लाइव स्टॉक ए फिशरीज खाते जो सूबाई वजीर बारी पिताफी भी अणजाण निकतो आहे। ब्रेकिंग न्यूज़ ते पहुचायूं पिया। सिंध ग्रोथ मनसूबे तहत 10 जिलन में 153 चिलर किथे किथे लगा आहिनि। लाइव स्टॉक ए फिशरीज खाते जो सूबाई वजीर बारी पिताफी भी अणजाण निकतो आहे। केटीएन न्यूज के प्रोग्राम द मिरर में मनसूबे की नाकामी जो इंकशाफ थो, सूबाई वजीर भी तस्दीक कर छी है। ब्रेकिंग न्यूज वहां पहुंचाऊँ पा। सिंध ग्रोथ मनसूबे तहत 10 जिलन में 153 चिलर किथे किथे लगा। लाइव स्टॉक ए फिशरीज खाते जो सूबाई वजीर बारी पिताफी भी अणजाण निकतो आहे। केटीएन न्यूज के प्रोग्राम द मिरर में मनसूबे की नाकामी जो इंकशाफ थो, सूबाई वजीर भी तस्दीक कर छी है। केटीएन न्यूज से गालंदे बारी पिताफी असा सिंध ग्रोथ मनसूबो कामयाबी से पूरा न कर सकिया आयु। जेतरा चिलर लगना हुआ ओतरा न लगी सकिया। मनसूबे जरिए कड़ा कड़ा कम करना हुआ केटीएन सूबाई वजीर बारी पिताफी मुकम्मल तौर बेखबर है। दिमिरर में इंकशाफ सामू आयो हो त आलमी बैंक का 26 मिलियन डॉलर्स कर्ज वी शुरू कल मनसूबो बदनवानी ए करप्शन के वर चढ़ी वो हो। इनजा तफसील मालूम कंदी हैदराबाद में केटीएन न्यूज रिपोर्टर असगर खानो। ठीक है जी असगर, अपडेट कजो। अब्दुल बारी पिताफी भी अणजाण निकतो है इन मामले का। हा जी बिल्कुल। हाँ असा पे नाजरन के बुधायूं तो कुछ डी अग केटीएन के प्रोग्राम दी मिरर में असा इन गाल इंकशाफ किया हो तो सिंध ग्रोथ प्रोजेक्ट तहत सिंध के 10 जिलों में खीर गड करण के लिए खीर की पैदावार बढ़ाने के हवाले से 153 चिलर लगना हुआ जिनकी मालियत आलमी बैंक का कर्ज वी 26 मिलियन डॉलर उनते खर्च करो ए खर्च थे के बावजूद भी इन वक्त 10 ही जिलों में किथे भी चिलर फंक्शनल ना इन हवाले से अज जैसे सूबाई वजीर एक प्रोग्राम में इतने हैदराबाद में होटल में शिरकत का खास जैसे केटीएन पारा उन प्रोजेक्ट बाबत पुछो वो तो सूबाई वजीर खुद बारी पिताफी इन गाल एतराफ किया वाकई भी वो प्रोजेक्ट कामयाबी से मुकम्मल न कर सकियासी केतरा चिलर किथे किथे लगल आन उन हवाले से भी जैसे केटीएन खास पुछो तो उन्होंने थोड़ा तफसील बुधायो तो बारी पिताफी वह तफसील दियण में भी नाकाम हो। हकीकत यह है तो 10 जिलों में जे रिकॉर्ड में जाना वो है तो 107 चिलर लगल आन पर हकीकत यह है तो उत चिलर भी किथे भी लगल ना सभी सिंध के 10 ही जिलों में जिते जिते चिलर की निशानदही कई वही है या लगाया वह उनमें को भी इन वक्त चिलर फंक्शनल ना असा पे मिरर प्रोग्राम में इन गाल इंकशाफ किया। इन हवाले से जैसे सूबाई वजीर बारी पिताफे का अज सवाल किया तो कुछ कुछ चिलर हलन पाया जैसे खास पुछो वो तो उ चिलर किथे किथे हलन पाया केतरा हलन पाया थोड़ा उन तफसील बुधा तो सूबाई वजीर उन जवाब न दई सको उन वक्त के बे प्रोग्राम में शिरकत करण आयो आ मुख्य उन तफसील मालूम ना तो उ किथे किथे चिलर लगल आन केतरा केतरा कम कर रहा है जैसे खास पुछो वो तो प्रोग्राम कामयाब जैसे तो कामयाब न वो है लाइव स्टॉक खातो जो जो आलमी बैंक के रिपोर्ट पी जमा कराई उनमें यो उन गलत बयानी का कम वी आलमी बैंक के यो दिनों वो तो प्रोजेक्ट कामयाबी से मुकम्मिल है चिलर फंक्शनल आन पर अज सूबाई वजीर खुद लाइव स्टॉक के उन रिपोर्ट खिलाफ बयान दिनों है उन हकीकत है तो असा वो प्रोग्राम कामयाबी से न हलए सी इन में गाल साबित थी है तो लाइव स्टॉक खाते आलमी बैंक साहब गलत बयानी कई जो सिंध हुकूमत पारा आलमी बैंक का 26 मिलियन डॉलर जो कर्ज वरतो वो कर्ज सिर्फ बदोना उनके वर चढ़ी है। सूबाई वजीर के बयान में यह गाल साबित थी चुकी है तो लाइव स्टॉक खाते वो समूरी जका रकम हुई वह बदनान के वर चाढ़े छी है उन प्रोजेक्ट में कें भी किस्म जो सिंध के आवाम के लाभ हासिल न थी सको है। जी असकर खान अपडेट करने वाली वही।